नमस्कार, मेरा नाम हितेश खुराना। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी खबरें बताने का। मोदी कैबिनेट, अमित शाह को गृह, राजनाथ को मिला रक्षा, निर्मला बनी वित्त मंत्री। मोदी कैबिनेट, पशुपालन मंत्री बनने पर बोले गिरिराज, जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाऊंगा। स्मृति ईरानी का बड़ा कद, मिला महिला और बाल विकास मंत्रालय। एस जयशंकर को बड़ी जिम्मेदारी, सुषमा स्वराज की जगह बने विदेश मंत्री। अमित शाह को मिला गृह मंत्रालय, नड्डा हो सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के बच्चों को मिलेगी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बीच पीयूष गोयल ने संभाला वाणिज्य मंत्रालय, आसान नहीं है रहा। सरकार नई जिम्मेदारी वही, 18 मंत्रियों का नहीं बदला मंत्रालय। नीतीश कुमार ने कहा, हम एनडीए के साथ लेकिन मंत्रिपरिषद में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस ने कहा, देश के विकास के लिए मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार। मोदी सरकार 2.0 को झटका, अमेरिका ने खत्म किया भारत का तरजीही व्यापार व्यवस्था का दर्जा। वित्त वर्ष 2018-19 की मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.8%, अब 5 सालों में सबसे कम रहा आंकड़ा। तंबाकू के सेवन से विश्व में होने वाली मौतों में भारत का दूसरा स्थान, हर साल होती है 70 लाख मौतें। मोहना सिंह ने रचा इतिहास, दिन में मिशन करने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। स्मृति ईरानी के करीबी नेता की हत्या मामले में 5वें आरोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़, बाद में हुआ गिरफ्तार। जय श्री राम के नारे पर फिर भड़की ममता, कहा ये सब अपराधी मुझे दे रहे हैं गाली। दो वोटर आईडी मामला, MP MLA कोर्ट पहुंचा गौतम गंभीर का केस। परिणामों से नाराज मायावती ने 3 जून को बुलाई बैठक, गठबंधन के भविष्य को लेकर होगा फैसला। जम्मू और कश्मीर के शोपियां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किया एक आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट में दावा, ट्रंप के साथ शिखर वार्ता असफल रहने पर उत्तर कोरिया ने 4 अधिकारियों को उतारा मौत के घाट। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, CRPF कैंप पर फेंका गया ग्रेनेड। हाई कोर्ट का आदेश, 67 मरीजों को 2 हफ्ते में 25-25 लाख रुपए दे जॉनसन एंड जॉनसन। कांग्रेस दफ्तर के सामने वायुसेना प्रमुख ने तैनात किया राफेल। CWC 2019 विंडीज ने पाकिस्तान को चटाई धूल, 7 विकेट से जीता मैच। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबरें, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी।